नमस्कार दोस्तों, क्या कैसे करें, मैं आपका स्वागत है। उस कुत्ती के कितने बच्चे हैं, जाओ और पता करके आओ। यह एक बहुत ही रोचक कहानी है, इसमें दिमाग के इस्तेमाल के बारे में बात है। आप इसे कृपया जरूर देखें एक बार। एक बार की बात है, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, हमारे यहाँ भारतीय सैनिक और अंग्रेजी सैनिक हुआ करते थे। तो अंग्रेज सैनिक का वेतन हमारे सैनिक से ज़्यादा था और हमारे सैनिक का वेतन कम था। तो एक दिन सैनिक ने कहा कि हमारा अंग्रेज सैनिक से वेतन कम क्यों है। तो अंग्रेज ने कहा, वो आपसे ज़्यादा काम करता है। तो भारतीय सैनिक ने कहा, नहीं, हम भी इतना ही काम करते हैं जितना आपका सैनिक काम करता है। तो अंग्रेज अधिकारी ने कहा, नहीं, वो आपसे ज़्यादा काम करता है। तो भारतीय सैनिक ने कहा, नहीं सर, हम दोनों की एक ही जगह ड्यूटी है, वो भी पहरा देता है, मैं भी पहरा देता हूँ, तो वो मुझसे ज़्यादा काम कैसे करता है। तो उसने कहा, अंग्रेज अधिकारी ने कहा, भारतीय को बुलाया और कहा कि जाओ, फलां गांव में एक कुत्ती ने कुछ बच्चों को जन्म देना था, देख के आओ। उसने बच्चों को जन्म दे दिया। तो भारतीय सैनिक वहां पर गया, 1 घंटे बाद लौट कर आया, कहने लगा, जी सर, कुत्ती ने बच्चों को जन्म दे दिया है। तो उसने कहा, ठीक है, बैठ जाओ। थोड़ी देर बाद फिर अंग्रेज सैनिक ने कहा कि जाओ, ये पता करके आओ कि उस कुत्ती ने कितने बच्चों को जन्म दिया है। तो भारतीय सैनिक फिर गया तो पता करके आया 2 घंटे बाद, कहने लगा, सर, उसने 12 बच्चों को जन्म दिया है। ठीक है, वेल डन, बैठ जाओ। तो आधे घंटे बाद अधिकारी ने फिर बुलाया भारतीय सैनिक को, कहने लगा कि जाओ, ये पता करके आओ उसमें कितने कुत्ते हैं, कितनी कुतियां हैं। तो भारतीय सैनिक फिर गया तो देख के आया कि सर, 6 कुत्ते 6 कुतियां हैं। तो वापस लौट आया। उसके बाद भारतीय सैनिक को फिर कहा गया कि आप ये पता करके आओ कि उनमें कितने काले रंग के, कितने व्हाइट कलर के हैं। तो भारतीय सैनिक फिर गया, देख के आया कि सर, उसमें 4 व्हाइट कलर और 8 ब्लैक कलर के हैं। तो अंग्रेज अधिकारी ने कहा, ठीक है, बैठ जाइए। तभी उसने अंग्रेज सैनिक को बुलाया, इधर आओ। अंग्रेज सैनिक आया, उसे कहा कि जाइए, वहां पर एक कुत्ती ने कुछ बच्चों को जन्म दिया है, वो पता करके आओ, क्या उसने बच्चों को जन्म दे दिया है। अंग्रेज सैनिक गया और लौट के आया, कहने लगा, सर, कुत्तिया ने बच्चों को जन्म दे दिया है। तो अंग्रेज अधिकारी कहने लगा कि जाइए, ये पता करके आइए कि उसने कितने बच्चों को जन्म दिया है। तो अंग्रेज सैनिक कहने लगा, सर, मैं देख के आ गया हूँ, उसने 12 बच्चों को जन्म दिया है। तो अंग्रेज अधिकारी ने फिर कहा कि जाइए, आप ये पता करके आइए कि उसने कितने कुत्ते और कितने कुत्तियों को जन्म दिया है। तो वो कहने लगा, सर, मैं वो भी चेक करके आ गया हूँ, 6 कुत्ते और 6 कुतियां हैं। तो अंग्रेज अधिकारी फिर कहने लगा कि जाइए, आप ये पता करके आइए कि वहां पर कितने कुत्ते काले रंग के और कितने सफेद रंग के हैं। तो अंग्रेज सैनिक फिर कहने लगा, सर, मैं वो भी चेक करके आ गया, 8 काले रंग के 4 सफेद रंग के हैं। तो अधिकारी खुश हुआ, कहने लगा, वेल डन। तभी उसने पास खड़े उस सैनिक को बुलाया, भारतीय सैनिक को, कहने लगा कि देखिए, आपने जो सारे दिन में एक काम किया था, उसने ये एक ही बार में कर दिया है। आपने 5 चक्कर लगाए वहां जाने के लिए और इसने एक ही चक्कर में सारा कुछ पता कर लिया। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि हम यदि कहीं जाते हैं तो अपने दिमाग का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके वहां के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करें, ताकि आने वाले समय में हमारे काम आए। जैसे आपने देखा, अंग्रेज सैनिक गया, उसने एक ही बार में सब कुछ देख लिया, लेकिन भारतीय सैनिक गया तो वो बार बार देख के आता रहा और बार बार जाता रहा, उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। ये कोई भारतीय सैनिक के ऊपर की बात नहीं है, ये सभी जगह लागू होती है, चाहे हम भारतीय हैं चाहे विदेशी हैं। यदि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं तो एक ही बार में हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं। आशा करते हैं इस कहानी से आपको प्रेरणा मिली होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों के बीच जरूर वितरित करें इसे, ताकि सभी इस चीज़ का फायदा उठा सकें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।